हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक टॉपिक पहले हम लोगों ने क्या सीखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये अज्यूम कर लो कि दो कंडक्टर में अगर वायर जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर अगर चार्जेस ने मूव करना शुरू किया, V1 V2 को देख के चार्ज इससे इस पे आएंगे या तो इससे इस पे आएंगे, तो क्या होता है ना बच्चों, कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट डेवलप होने लगती है, क्योंकि एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए एनर्जी में लॉस होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, लॉसेस अकर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस और किस फॉर्म में होता है, तो ये हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट, सिंपल। ठीक है, तो देखो इनिशियली इसके पास चार्ज कितना था प्यारे बच्चों, Q1, और यहां पे कितना चार्ज था हमारे पास, Q2। कैपेसिटी हो जाएगी C1 और ये कैपेसिटी कहलाएगी आपकी C2। कब तक हो रहा है हमारे पास ट्रांसफर, जब दोनों पे पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया ये तो। और ये हो जाएगा Q1 डैश, ये हो जाएगा बच्चों Q2 डैश। आइडियली अपन कहते हैं ना Q1 प्लस Q2 और ये दोनों भी बराबर कहलाएंगे, और यहां पर भी कैपेसिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इस इक्वेशन को आप ऐसा कह दो, इनिशियल पार्ट चल रहा है और ये वाला पार्ट क्या चल रहा है बच्चों, फाइनल। और टॉपिक की शुरुआत आपने लॉस बोलकर करी है, तो लॉस कब होता है आप बात समझो, पहले इनिशियली ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन विल बी नेट एनर्जी इनिशियल माइनस नेट एनर्जी फाइनल। बात समझो आप, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना है, इनिशियल माइनस फाइनल करना है। अब इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन दोनों का लिख लेते हैं अपन। ये होता है बच्चों 1/2, मैं फर्स्ट के लिए लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 1/2 Q2 स्क्वायर डिवाइड बाय C2। ये बात हो गई शुरुआत की, माइनस आ गया और इन दोनों के लिए लिख लेते हैं अपन, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, चार्ज दोनों को ऐड नहीं करना है Q1 डैश Q2 डैश, वरना और लेंथी हो जाएगा आपका डेरिवेशन, इन दोनों का सम इनके बराबर भी तो होने वाला है बच्चों। तो यहां मैं Q1 प्लस Q2 ही लिखूंगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा टोटल कैपेसिटी। देखो ये तो चेंज होना नहीं है, और ये दोनों मिलके इन दोनों के सम के बराबर हो रहे हैं, तो आपका आंसर ये स्क्वायर में पड़ गया और ये हमारा एक फाइनलाइज एक्सप्रेशन बनता है। इसको फ्रीज कर लीजिए, ये फर्स्ट कैपेसिटी का है, सेकंड कैपेसिटी का है, और ये कंबाइंड होके है बच्चों। तो इसके लिए अगर हम बात करें अगर अपन, तो यहां से हाफ को बच्चों बाहर निकाल लो, तो यहां बच रहा है अपने पास Q1 स्क्वायर बाय C1, यहां बच रहा है अपने पास Q2 स्क्वायर बाय C2, और ये नेगेटिव का टर्म है, और डिनोमिनेटर में आपके पास C1 प्लस C2 का एक टर्म आ रहा है, और ये एक्सपांशन ओपन कर दीजिए, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1Q2। ठीक है ना बच्चों यहां तक, अब ध्यान से बिल्कुल सॉल्व करते जाना है, गड़बड़ नहीं करना है वरना डिवीजन खराब हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 1/2, C1 C2 बाहर बुला लेते हैं यहां से, तो हो जाएगा C1 प्लस C2, समझ आ रही है बात। और अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Q1 स्क्वायर बाय C1, और यहां आ जाएगा C1 प्लस C2। ये सबसे बाहर निकाला अपन इस वाले टर्म को, ठीक है, और ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर बाय C2, और ऊपर आ रहा है अपने पास C1 प्लस C2। माइनस अंदर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस ऑफ Q2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2Q1Q2, और यहां तक का अपना एक्सप्रेशन। तो अब बच्चे लोग लॉस ऑफ एनर्जी मतलब डेल्टा यू का टर्म अपन ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 लिखा है, नीचे का टर्म है C1 प्लस C2, इसको अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहली बात तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस करके एक टर्म मिल जाएगा अपन को, उस टर्म का नाम रहेगा Q1 स्क्वायर बाय C1, और अंदर एक रहेगा C2, प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा Q2 स्क्वायर डिवाइड बाय C2, और यहाँ हो जाएगा C1, और प्लस ये जब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना तो केवल यही बचेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस करके लिखा है Q1 स्क्वायर, माइनस करके लिखा है Q2 स्क्वायर, और यहाँ लिखा है Q1 Q2 और ब्रैकेट्स क्लोज। बच्चों देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, अब फाइनली अपन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, वो हो जाएगा अपने पास 1/2 का एक टर्म है, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है C1 प्लस C2, ठीक है ना, और मैं C1 C2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर। अब C1 C2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि C1 का तो स्क्वायर निकल आएगा लेकिन C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही होगा, Q2 का स्क्वायर लिखा है बच्चों,
और यहाँ पे सी टू का स्क्वायर हो जाएगा और सी वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस करके ये टर्म बच रही है क्यू वन क्यू टू और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सी वन सी टू, क्योंकि अपन को इस टर्म से मल्टीप्लाई भी करना था और डिवाइड भी करना था। अब जरा आप ध्यान दो कि पोटेंशियल का टर्म होता है क्यू बाय सी, तो इसको ढंग से देखो ना आप, क्यू वन बाय सी वन लिखा स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ पे क्यू टू बाय सी टू लिखा है, क्यू वन क्यू टू सी वन सी टू लिखा हुआ है, मतलब ये टर्म किसका हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन, वी टू का टर्म तो हो रहा है जो किसके बराबर होता है, आप लोगों को जानकारी है इस चीज की, तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है इसका। हाफ लिखते हैं बच्चों, दोनों कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों कैपेसिटी को आप लोग ऐड कर दो और ये हो जाएगा वी वन माइनस वी टू और इन दोनों के होल के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आता है, ये आपका एक्सप्रेशन है बच्चों किसका, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये वाली टर्म लॉस डेल्टा यू से पढ़ी जाती है हमेशा। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन हैं और कई सारे बुक्स में और क्वेश्चन है और डेरिवेशन और भी टाइप से होता है, क्यू वन बाय सी वन से अपन ने कर लिया, सी वी स्क्वायर से भी हो जाता है बच्चों। ये आपको आंसर अल्टीमेटली याद क्या रखना है कि हाफ लिखेंगे अपन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और इनिशियल पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर में डाल दो और यही टर्म आपका क्या बना लेगी बच्चों, लॉस बना लेगी, ठीक है। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसको हमेशा याद रखो जब जब आप लोगों को कैपेसिटी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना बच्चों।